पंचांग को उठाकर देख लीजिए, ग्रेटेस्ट एलोंगेशन जो होती है मरकुरी की, या मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इट इज लिमिटेड अप टू 22 और 23 डिग्रीज। अभी भी 28 पढ़ाई आ रहे हैं कि 28 डिग्री तक जा सकता है। शुक्र की एलोंगेशन देख लीजिए, ग्रेटेस्ट एलोंगेशन 47 डिग्री तक पढ़ाते हैं, 47 डिग्री आजकल रही नहीं भाई। तो जो एग्जैक्ट पोजिशन है, हर एक एस्ट्रोलॉजर को, हर एक शास्त्र में, किसी भी साइंस में व्यक्ति को अपडेट होते रहना चाहिए। यदि वो अपडेट नहीं होता तो इसका उसकी कमजोरी है, पढ़ाने वाले की कमजोरी है, पढ़ने वालों की गलती नहीं है। पढ़ने वालों के तो बेचारों को कर्ज मिला हुआ है कि ऐसे लोग उन्हें पढ़ाने वाले मिल गए। तो वक्री और कंबस्ट जो ग्रह है, अस्त ग्रह, उसके बारे में जो जीव सुख की हानि की जो बात होती है, और वक्री ग्रह में अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जीव सुख की हानि होती है तो उसके उसके उसका स्पाउस मर गया। हां जी, तो वो तो हुई नहीं, वो हुआ नहीं, मामूली कोई क्रॉनिक डिजीज आ गई। तो इसी तरह से वक्री ग्रह के लिए कहा जाता है कि जीव सुख में, भौतिक सुख में वृद्धि करेगा, जीव सुख में हानि करेगा। क्या ये चीज लागू है? बड़ी सीधी सी बात कह दी सारा बुली वाले ने, कारण नहीं। क्रूरा वक्रा महाक्रूरा फंक्शनल मेलिफिक्स यदि रेट्रोग्रेड हो जाते हैं और अति रेट्रोग्रेड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अति वक्री होते हैं, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, वो बहुत ज्यादा मेलिफिक हो जाएंगे। शुभा राज्य प्रदाग्रह शुभ ग्रह यानी फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट यदि वक्री है, अति वक्री है, तो वो राज्यदायक हो जाता है, राजयोग कारक हो जाता है, वो अच्छे फल देता है, वो बेनिफिट रिजल्ट देता है। क्रूरा वक्रा महाक्रूरा शुभा राज्य प्रदाग्रह, तो इससे बढ़कर की और क्या बात बताओ? और ये फंक्शनल बेनिफिट, फंक्शनल बेनिफिक और मेलिफिक की बात कर रहा है, नेचुरल बेनिफिट मेलिफिक की बात नहीं कर रहा है। फंक्शनल बेनिफिक्स की बेनिफिशिएंस एनहांस होगी और फंक्शनल मेलिफिक की मेलिफिशिएंस एनहांस हो जाएगी। तो ऑब्वियसली अपने आप अंदाजा लगा लीजिए क्या रिजल्ट आएगा। जो फंक्शनल मेलिफिक यदि रेट्रोग्रेड है तो जाहिर है कि मेलिफिक इफेक्ट्स देगा, और मेलिफिक इफेक्ट्स बड़ी स्टाइल में, बड़ी शो ऑफ करते हुए देगा, बम्बास्टिक तरीके से देगा। और जो वो जो बेनिफिट प्लैनेट है तो बेनिफिट प्लैनेट भी अपने बेनिफिट इफेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से देगा, बहुत एनलार्ज तरीके से देगा। उसने वृद्धि करनी है जो उसकी क्वालिटीज है उनमें, जो उसकी क्वालिटीज है वो वृद्धि हो जाएगी। यदि ऐसा होता, शुक्र नहीं बृहस्पति मंगल और शनि वक्री हो जाने पर, खासतौर से बृहस्पति के वक्री हो जाने पर और शनि के वक्री हो जाने पर, स्पेशल राजयोग सारावली के 35वें अध्याय में बताए हुए, वो राजयोग बनाते हैं। यदि वो खराब इफेक्ट देते होते किसी खास लग्न में, तो जाहिर है कि फिर तो स्पेशली मेंशन करते, तो उन्होंने मेंशन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो राजयोग कारक हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि शुभा राज्य प्रदाग्रह शुभ ग्रह राज्यप्रद हो जाते हैं, राज्य देने वाले हो जाते हैं, राजयोग का राजयोग मैनिफेस्ट करते हैं, तो राजयोग कारक हो गए। जो वक्री ग्रह, सीधी सी रात रिजल्ट क्या निकल के आता है कि वक्री ग्रह बहुत बलवान है, और जब वक्री ग्रह बलवान है तो ताकतवर आदमी क्या करेगा? यदि खराब प्लैनेट फंक्शनल मेलिफिक बलवान हो गया तो बेनिफिक इफेक्ट देगा, और नेचुरल नहीं बेनिफिक, वो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट यदि बलवान हो गया तो बड़ा सीधा काम हो गया, सिंपल हो गया। रेट्रोग्रेशन को लेके एक और क्वेश्चन है जी, काफी इसमें भी कंट्रोवर्सी रहती है कि वक्री ग्रह रिवर्स दृष्टि देगा, और ये कहीं क्या क्लासिक्स में ये चीज मेंशन्ड है, कहां से ये चीज आई, इसका आधार कुछ है भी है? 99% ये कपोल कल्पना है, कपोल कल्पना कहते हैं ऑटोक्रेटिक कॉन्सेप्ट, कपोल कल्पना, हाँ, अपने मन से बनाई हुई कल्पना है। ओके, जब ये मान लिया कि वक्री ग्रह है तो बकरी को उन्होंने मान लिया कि वो तो उल्टा है और नील गाय की तरह उल्टा चलता है, जैसे जंगल में नील गाय होती है, हिरन एक खास तरीके का बड़ा हिरन होता है, गाय जैसा दिखता है, उसको नील गाय कहते हैं, तो वो नील गाय की तरह उल्टा चलता है, ऐसा मान लिया उन्होंने। या वो वार के लिए ट्रेंड किया हुआ एक हॉर्स है, घोड़ा है, जो वार हॉर्स हुआ करते थे, वो सीधे भी दौड़ते थे, जरूरत पड़ने पर भी उसको बच के निकलना हो उल्टा को, तो उसी गति से वो पीछे भी दौड़ सकते थे, तो ट्रेंड हॉर्स की तरह नहीं होते प्लेनेट। जो दृष्टि है, एक जगह एक हल्का सा मेंशन आया है इसका, लेकिन वो इतना वेग तरीके से आया हुआ है कि उसको हम एज ए मैटर ऑफ रूल सब जगह लागू नहीं कर सकते।
पाराशर के नाम से ओरिजिनल पाराशास्त्र की हॉर्स वो फिर मैनस्क्रिप्ट में ये नहीं था, लेकिन कई फुटकर श्लोकों में पाराशर के नाम से मिलता है। उसमें एक श्लोक है, अतिचारे च वक्रे च। समस्या क्या है कि संस्कृत ना जानने की वजह से लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और ट्रांसलेशन पर डिपेंड करने की वजह से असली आत्मा को समझ नहीं पाते। अतिचारे च वक्रे च विद्यादीनाम ग्रहा तथा, ध्यान से सुनिएगा एक वर्ड को, अतिचारे च वक्रे च। जब ग्रह अतिचारी हो, जिस समय उसकी गति बहुत मैक्सिमम हो, बहुत जरूरत से औसत से बहुत ज्यादा हो, और वक्रे च, और वो वक्री भी हो, तो विद्यादीनाम ग्रहा तथा, वी माने विदाउट, ईज माने बृहस्पति, एग्जम्प्टिंग जुपिटर, एग्जम्प्टिंग जुपिटर, तो मंगल, शनि और बुध और शुक्र बच गए आपके पास, अभी इतना ही समझ गया। विद्यादीनाम ग्रहास्त्र पूर्व राशि फलम दद्यु, दद्यु का मतलब है दे मे गिव और दे मे नॉट, रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस, पूर्व राशि फलम दद्यु, पूर्व साइन का फल भी दे सकते हैं, मे गिव दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा बृहस्पति को एकदम कर दिया, बृहस्पति उसी राशि का फल देगा सारा जिस राशि में बैठा हुआ है, उसके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता। अब तमाशा देखिए, अतिचारी ग्रह कब होता है, जब एवरेज से ज्यादा ग्रह ज्यादा आगे चला जाए, जो उसकी एवरेज गति 1 डिग्री 2 डिग्री आधा डिग्री चौथाई डिग्री जो भी रोजाना की है, 5 कला बृहस्पति की, एवरेज गति 5 कला ही हो जाए, शनि की सॉरी बृहस्पति की, तो इस 5 कला से ज्यादा तेज चलने लगे, और तेज चल चलते ऐसा कब होगा, ये अनइवन अननेचुरल होगा। तो अतिचारी गति का मतलब है अननेचुरल मोशन, तो अननेचुरल मोशन के दौरान जब वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और रेट्रोग्रेड होने के बाद जिस समय अपनी पिछली राशि के नजदीक आएगा, माना मीन राशि में कोई ग्रह है या मकर राशि में कोई ग्रह है, और अतिचारी होकर के उसका एवरेज पीरियड, एस्टिमेटेड पीरियड, स्टिपुलेटेड पीरियड बार 1 ईयर right. एक राशि में रहने का, लेकिन वो 10 महीने में 8 महीने में ही 9 महीने में ही उस राशि को पार करके कुंभ में चला जाता है, और कुंभ में जाकर के लॉस्ट करके वक्री होकर के फिर मकर में नहीं आता, तो जिस समय वो ही विल बी हेडिंग इन वक्री गति टूवर्ड्स मकर राशि, और जिस समय विल बी क्लोजर इन द क्लोज विसिनिटी टू द मकर राशि, then he may discover the effect even of the makar rashi too. Okay. Ati chare cha vakre cha, these two conditions are applicable similarly at one time. Ki ati chari bhi hona chahiye, wo grah vakri bhi hona chahiye, tab purva rashi phal dadyu, tab purva rashi ka phal de sakta hai. Parashar kehte hain ki dega nahi, de sakta hai dadyu. Aur wo bhi brihaspati ko chhod kar. Ab ati chari ki baat ko lijiye. एस्ट्रोनॉमिकली अतिचारी वक्री कभी 100, 200, 300 साल में एक बार हो सकता है, और बुध 10-5 साल में एक दो बार अतिचारी हो जाता है, इसलिए बृहस्पति को उन्होंने छोड़ दिया। जब बृहस्पति को छोड़ा तो शनि को छोड़ दिया, शनि अतिचारी होता ही नहीं, अतिचारी होगा कभी 1000 साल में एक बार होगा, अननेचुरल होगा वो भी, इस तरीके की जैसे आसमान से वो रेनिंग कैट्स एंड वो डॉग्स वाली स्थिति होगी, है ना, वंस इन ए ब्लू मून कभी होगा, तो इसलिए वो एक्सेप्शन वो रूल ही नहीं बन सकता। दूसरी बात आई बुध की, बृहस्पति की, बृहस्पति अतिचारी होना आजकल आउट ऑफ कंसिडरेशन हो गया है, बृहस्पति अतिचारी मानते ही नहीं है, उसको लुप्त संवत्सर अतिचारी नाम से पता नहीं किसके नाम से रहता, वो आउट ऑफ कंसिडरेशन, उसका बेकार की बात है, छोड़ दो उसको, ये हो नहीं सकता, होता ही नहीं है कभी। अब उसके बाद बुध रह गया, बुध अक्सर अतिचारी होता है, बुध की गति अनिवन होती है, 1 डिग्री आधी डिग्री चौथाई डिग्री रोज से लेकर के 3-4 डिग्री रोज तक हो जाता है कभी कभी, वो एवरेज ही गति है उसकी, 88 दिन में पूरा साइकिल पूरा कर लेता है, तो 4 डिग्री रोज का उसका एवरेज आता है, उसका अतिचारी हो सकता है, कभी एवरेज से नॉर्मल से ज़्यादा गति चलेगा, तो बुध की गति, बुध के ऊपर ये बात लागू है, बुध कभी आगे पीछे का भी इफेक्ट दे सकता है, लेकिन बाकी और ग्रह पर लागू नहीं है। इसको इस तरीके से मिसअंडरस्टूड करके सब जगह एज ए मैटर ऑफ रूल लागू कर दिया, सब गधों को और घोड़ों को एक ही डंडे से हाँक दिया, इसमें मेरी गलती नहीं है, शास्त्र को ना समझने वालों की गलती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। 497 श्लोकों में वर्तमान युग के अनुरूप प्रश्नों का संक्षेप में तार्किक विचार किया गया है। अंत में प्रश्न शास्त्र के अधिष्ठाता भगवान शंकर और पार्वती जी से प्रार्थना है कि
मिश्रा जी, हमने अभी तक ज्योतिष के फंडामेंटल्स को लेके काफी आपसे क्लैरिफिकेशन ली, काफी मान्यताओं को, कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आपकी हेल्प ली, और जिस तरह से ज्योतिष एक बहुत विशाल सागर है, हम तो अभी उसकी तह पे भी नहीं है, अगर और आपका जो रिसर्च है, आपके खुद आप ज्योतिष के साथ 60 साल से ज्यादा हो गए आपको एसोसिएट होते हुए, 50 साल आपने प्रैक्टिस करी है ज्योतिष, और 35 साल के करीब हो गए आपको ज्योतिष का जो आपका रिसर्च है उसके ऊपर, आपने मेरे ख्याल से 42-45 तो आपने किताबें ही लिखी हैं ज्योतिष के ऊपर, तो आप हमें थोड़ा गाइड करिए कि आपका जो रिसर्च, इतना डीप रिसर्च है बहुत संस्कृत में और ज्योतिष के क्लासिक्स को लेकर, अगर फंडामेंटल्स को सीखना चाहे हम ज्योतिष के और अपने कंफ्यूजन्स को दूर करना हो और जो बेसिक्स हैं और जो मूल हैं ज्योतिष के उनको समझना हो, तो आप अपनी कौन सी बुक्स रेकमेंड करेंगे हमें गाइड करें? लेकिन कि प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी को मतलब चार्ट एनालिसिस करने के लिए सीखना है तो पंचाध्यायी मैं चाहूँगा कि लोग पढ़ें, और पंचाध्यायी के एक एक श्लोक को देख करके उस रूल को अप्लाई करके और उसका इफेक्ट और उसका रिजल्ट देखें, उसे चेक करें, ये पंचाध्यायी है और इसी का ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के लिए, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के लिए, और इसी का हिंदी संस्करण, यदि किसी को हिंदी में पढ़ना है तो इसको हमने हिंदी में भी निकाल रखा है, ये जन्मपत्री स्वयं बनाइए, स्वयं देखिए इस नाम से, ये दोनों पुस्तकें वो पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में पढ़ना चाहे वो ये पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना चाहे ये पढ़ना है, और कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए यदि देखना है तो कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने बहुत पहले जो पुस्तक लिखी थी ये ज्योतिष गहरी पानी पैठ, इसमें बहुत सारे जो पॉपुलर और मतलब कॉमनली जो कन्फ्यूज वो एरियाज हैं, जहाँ कन्फ्यूजन के एरियाज हैं उनको के ऊपर डिस्कशन इसमें किया है, और तर्क दे करके और प्रमाण दे करके किया है, मेरा कोई मैं जहाँ तक कोशिश होती है मैं बिना तर्क और बिना प्रमाण के जब तक मैं खुद कन्विंस नहीं हो जाता वो उस चीज़ को आउट नहीं करता, तो इसमें दिए हूँ मैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हैं जो बहुत सारी मिसगिविंग्स को, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करती हैं, और ये एक अच्छे ज्योतिष के पढ़ने वाले व्यक्ति को जरूर पढ़ना और समझना चाहिए, और इसमें कोई गलती नजर आती है इसमें कुछ और एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ती है, कुछ और आगे पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग रिसर्च करें आगे आने वाली पीढ़ी वाले, हमने ओपन एंड छोड़ दिया है इसका जी। और पंचाध्याय में मैं देख रही थी मिश्रा जी कि आपने जो क्लासिक्स के श्लोक हैं उनको और सिंप्लीफाई करके स्वयं उनको संस्कृत में पहले लिखा है और हिंदी में उनका अनुवाद करा है, इसके बारे में बताइए आपने उनको किस तरह से स्टडी करके और उनको फिर आपने किस तरह से स्टडी करके, मैं तो बचपन से सिंप्लीफाई जो करा आपने मतलब, तो उसको ये तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि क्लासिक्स में जो रूल कैसे अप्लाई करना है तो वो स्कैटर्ड मैनर में है, सिस्टमेटिक मैनर में नहीं दिए गए हैं, जब जैसा मूड आया उन्होंने, जब जैसा प्रसंग हुआ ऋषियों ने बोलना शुरू किया और शिष्यों ने सुन लिया और नोट कर लिया, इस तरीके से शुद्ध परंपरा से बाय हियरिंग द सेजेस हैव हैंडेड डाउन दीज क्लासिक्स टू अस टू देयर स्टूडेंट्स टू देयर स्टूडेंट्स, तो ऐसी स्थिति में वो उसमें आगे पीछे विषय हो गया है, पाराशर में होरा शास्त्र में भी जो चीज़ अप्लाई करनी है वो कई बार बहुत आगे रूल मिलता है, उसको पीछे कनेक्ट करना पड़ता है, तो मैंने उसी को दिमाग में रख करके सरल शब्दों में जो सार सार है, जो उसका मक्खन है वो निकाल करके मैंने पंचाध्यायी में रखा, पंचाध्यायी से अपने संस्कृत के श्लोक बना करके रखा ताकि उसमें कहीं कोई मिसगिविंग ना हो जाए, हिंदी की व्याख्या में तो अलग अलग हो सकता है लेकिन संस्कृत जानने वाले लोग उसको समझ लेंगे कि ऑथर क्या कहना चाहता था और बेसिक रूल एक्चुअल रूल रियल क्या था जी। कई जगह हम देखते हैं कि अनुवाद में अलग अलग तरह से एक ही अनुवाद हो जाते हैं, अनुवाद करने वाले आदमी को कम से कम तीन चीज़ों का ज्ञान जरूर होना चाहिए, जिस भाषा में से अनुवाद कर रहा है उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और जिस भाषा में अनुवाद कर रहा है उस भाषा पर उसका अच्छा कमांड होना चाहिए, और जिस सब्जेक्ट का वो बुक है वो पुस्तक है उसका भी उसको ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो ठीक से अनुवाद कर पाएगा। तो संस्कृत के क्लासिक के मोस्टली ट्रांसलेशन बोलते हैं वो, कुछ ट्रांसलेशन अच्छे हैं लेकिन कुछ ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन को देख करके आगे फर्दर ट्रांसलेट कर दिए गए, जिसकी वजह से बहुत सारी मिसगिविंग्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। इसी बात में फिर एंड में आकर के मैंने वो पाराशर होरा शास्त्र का पूरा सारांश 200 पेजों में पाराशर उवाच नाम से दिया है, उसको आप देख सकते हैं, इसमें पूरा का पूरा पराशर होरा शास्त्र का सारांश, शास्त्र का पूरा सारांश, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन,
कौन सी चीज को कहाँ कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से पराशर का रूल और साइटेशन लेकर के बाकायदा उसका प्रमाण लेकर के इसको मैंने ये पराशर उपवास नाम से लिखा। जब पराशर उपवास लिखा तो दिमाग में आया कि जैमिनी पर क्यों ना लिखूं, तो फिर इसी के तुरंत बाद में जैमिनी मुक्ता शुरू की, जैमिनी मुक्ता पर्ल्स फ्रॉम जैमिनी। तो ये जैमिनी मुक्ता में जैमिनी सूत्र का पूरा सारांश दिया और इसमें भरसक प्रमाण के साथ, पूरे प्रमाणों के साथ ये एस्टेब्लिश किया गया है कि पाराशर ने जो कुछ बताया है वही जैमिनी ने बताया है। जैमिनी और पाराशर ये दो अलग स्कूल नहीं है, पाराशर की एक ब्रांच है जैमिनी। जैमिनी के विषय में अब लोगों को मालूम नहीं है तो क्या करें, पांच छह प्रकार के ऋषि बताए गए हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में, और उसमें जो आप देखेंगे जो ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, कांड ऋषि, इस तरीके से उनके नाम दिए गए, उनकी कैटेगराइज किया गया उनको। तो महर्षि जो होते थे वो किसी शास्त्र के, किसी फील्ड के सारे स्पीयर्स को, सारे एरिया को समझते थे बहुत अच्छी तरीके, जानते थे उनका पूरा कमांड उनके महर्षि होते थे। तो पाराशर जी महर्षि हैं, उनको ज्योतिष की हर एक विधा, हर एक फील्ड, हर एक टेक्निक का उनको जानकारी थी, उसके ऊपर वो आधिकारिक रूप से ऑथेंटिकली बोलते थे। लेकिन जैमिनी को पुराने ग्रंथों में कांड ऋषि कहा, कांड इज अ ब्रांच ऑफ, एक चैप्टर ऑफ सब्जेक्ट। तो कांड का मतलब हो गया जो ज्योतिष शास्त्र का एक कांड यानी एक शाखा। तो पाराशर होरा शास्त्र के या प्रचलित होरा शास्त्र के या ऋषियों के होरा शास्त्र के किसी एक चैप्टर को, एक कांड को, एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को, एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के, एक ब्रांच को लेकर के जैमिनी जी ने पुस्तक लिखी। इसलिए जैमिनी जी का नाम क्लियर कट कांड ऋषि लिखा हुआ है। अच्छा। जो कांड ऋषि थे, ये महर्षि थे तो कांड ऋषि थे, महर्षि से कांड ऋषि पांच स्टेप नीचे होता है, फाइव स्टेप्स लोअर। तो ऐसी स्थिति में कांड ऋषि हुए थे। त्रिकांड शेष नामक ग्रंथ में जैमिनी को स्पष्ट रूप से कांड ऋषि कहा है। तो एक कांड ऋषि हुए, तो कैसे जैमिनियन स्कूल हो जाएगा और कैसे पराशर स्कूल हो जाएगा, और बड़े कॉमन पार्लेंस में यूज होता है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी एंड पराशर एस्ट्रोलॉजी। स्कूल चलाने के लिए, संप्रदाय चलाने के लिए, अपना वर्ग चलाने के लिए, अपना ग्रुप चलाने के लिए, अपना सिद्धांत चलाने के लिए महर्षि होना बहुत जरूरी है। तो महर्षि लोग ही संत, वो सिद्धांत चलाते हैं, पर जैमिनी जी कैसे सिद्धांत चलाने को, तो कांड ऋषि थे। जबकि पराशर में बड़ा क्लियर बृहत पराशर में चर कारक स्थिर कारक से शुरू होते हुए जितनी चीजें जैमिनी ने बताई हैं उनमें से कोई एक आध चीज कोई निकाल के बता दे जो पाराशर शास्त्र में नहीं है, पाराशर जी ने नहीं बताई। पाराशर जी के व्यापक समुद्र में से कुछ सर्टेन टॉपिक को लेकर के अपने हिसाब से उनको एक्सप्लेन किया, अपने टेक्निक से एक्सप्लेन किया, साउथ इंडियन मेथड से एक्सप्लेन किया, उनको सूत्र रूप में, फार्मूला रूप में बना दिया और एप्लीकेबिलिटी के आधार पर उनको रखा। मोस्ट पर्टिकुलरली ही वर बीइंग फोकस्ड ऑन द आयु, लॉन्जिविटी कैलकुलेशन ऑनली, और कुछ दशाएं, राशियों की दशा, राशियों की दशा को एलोबरेट नहीं किया था पाराशर जी ने अपनी पुस्तकों में, अपने पाराशर शास्त्र में उन्होंने उनको कम महत्व दिया था राशि दिशाओं को, सबसे पहले नक्षत्र दिशाओं को। तो जैमिनी जी शुरू में कहने की सिद्धा उडुदाये, सिद्धा उडुदाये, जो नक्षत्र पर बेस दशा है वो तो पहले से ही प्रसिद्ध है जी। उनके ऊपर तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं, लेकिन जो राशि की दशा है उसके ऊपर लोगों ने कम बोला है, इसलिए मैं राशि की दशाओं को बोलूंगा, राशि की दशाओं के ऊपर बात करूंगा, डिस्कशन करूंगा, और आयु के ऊपर विशेषतः विचार करूंगा। उनका एक प्रिय फील्ड होगा, जैसे आजकल लोग अष्टक वर्ग के ऊपर इंडिपेंडेंट पुस्तक लिखते हैं, आयु के ऊपर इंडिपेंडेंट पुस्तक लिखते हैं, उसी तरीके से उन्होंने इंडिपेंडेंट इस दो टॉपिक को पकड़ करके पाराशर की स्पेशलाइजेशन किया उन्होंने। तो इसमें क्या डिफरेंस है पाराशर से उससे अलग, तो इस तरीके की जो ये गलत धारणा, गलत नामकरण की जो परंपरा चल जाती है, ये बाद में जाकर के नए स्टूडेंट्स को बहुत दुख देती है और बहुत परेशान करती है, उनको सारा मिसगाइड करती है। इसलिए जैमिनी स्कूल और पाराशर स्कूल की कहना ही अपने आप में बेमायने और निरर्थक और बिना मतलब की बात है। जैमिनी पे हम बात करेंगे थोड़ी देर तक, लेकिन योगों के ऊपर स्पेसिफिकली, योग तो बहुत तरह के बताए गए हैं, योग को समझने का आधार क्या है, योग का आधार क्या है, जिसे कॉन्सेप्चुअली हमें समझ आ जाए कि योग है क्या, और फिर आगे वो जो जितने सारे योग हैं, हजारों योग बताए गए हैं, वो तो फिर आगे डिटेल स्टडी में आ जाता है जी। योग का लिटरल मीनिंग होता है, योग जो शब्द रखा गया, योग का मतलब होता है जोड़, जोड़ का मतलब जोड़ना, जोड़ना का मतलब कनेक्ट करना। तो वो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन जो डिजायर्ड या डिजायरेबल प्लेनेटरी इफेक्ट से नेटिव को कनेक्ट करता है, दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज लेबल्ड एज ए योग। ओके,
एंड इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अ योग कारक एंड अ राजयोग कारक? योग कारक प्लैनेट जो है वो अच्छे फल देता है, वो सबकी कुंडली में मिलेगा जी, या मिल सकता है जी। राजयोग कारक ग्रह उसकी अपर कैटेगरी है। योग कारक ग्रह जब बहुत ज्यादा पावरफुल या बहुत स्पेशल कंडीशन में चले है तो राजयोग कारक हो जाता है। राजयोग कारक राजयोग का जो योग है वो कमांडिंग पोजीशन डिस्पर्स करते हैं, और जो योग कारक है वो बर्डली कंफर्ट देते हैं मोर देन एवरेज। ओके, ये उनमें डिफरेंस है। अच्छा, योग जो स्टडी करने शुरू करने चाहिए चार्ट में से, मूल योग कौन से होने चाहिए या मूल सिद्धांत क्या होने चाहिए जहां से योग की स्टडी चार्ट की शुरू करनी चाहिए? देखिए, बड़ा सीधा सा, बड़ा अमीर का ने रूल बताया। पारसा जी ने भी सबसे पहले सूर्य योग, चंद्र योग बताए, नामस योग उन्होंने बाद में बताया जी। तो पारसा जी वो बरामी सीधे कहते हैं कि रविचंद्र कृता योगा, जो सूर्य चंद्र से बनने वाले योग हैं वो प्रोमिनेंट है और सबसे पहले हमें उनको चेक करना चाहिए। यदि सूर्य चंद्रमा के योग बनते हैं तो बाकी योग भी खिलेंगे, बाकी योग भी अच्छे होंगे, और यदि सूर्य चंद्रमा के योग नहीं बनते, सूर्य चंद्रमा ही कुंडली में कमजोर है तो बाकी योग का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। और उनके बारे में आपने हमें शुरू में ही बता दिया था कि सूर्य चंद्र की स्ट्रेंथ किस तरह से, उपनिषद में बहुत क्लियर कट मेंशन किया हुआ है और बहुत रियल एग्जांपल लेकर के, मेरी पुस्तकों में जितने भी एग्जांपल थे वो सारे रियल और ट्रू एग्जांपल थे। जहाँ कहीं मैंने एग्जांपल कल्पना से दिया है, समझाने के लिए दिया है, वहाँ मैंने क्लियर कट लिखा है कि माना हमें इस बात को समझने के लिए ये एक कल्पित उदाहरण लेते हैं, तो वहाँ मैंने कल्पित शब्द का इस्तेमाल किया। अदरवाइज जितने चार्ट किए वो सब ओरिजिनल है और सब मेरे कलेक्शन से है। राजयोग भंग के क्या कॉम्बिनेशंस हैं? पहला कॉम्बिनेशन तो मैंने यही बता दिया आपको, सूर्य और सन, मून एंड सन, सूर्य चंद्रमा जी दोनों में से कोई भी एक वीक है जी, तो राजयोग की आभा, राजयोग का ग्लो कम हो जाता है, और ये दोनों बलवान है, और जो राजयोग फॉर्मिंग प्लांट्स हैं वो थोड़े एवरेज स्ट्रॉन्ग भी हैं तो तब भी वो राजयोग खिल जाता है। यदि सूर्य चंद्रमा भी बलवान है, राजयोग कारक ग्रह भी बलवान है, तो फिर तो क्या कहने, फिर तो सोने पर सुहागा हो गया जी। तो फिर तो उसका राजयोग का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। राजयोग भंग होने के लिए उन्होंने सीधे कह दिया, काली पार्षद जी कहते हैं कि तुलाया दशमे भागे स्थिति कमल बोधने, कमल बोधन कहते हैं संस्कृत में सूर्य को, तुला का दसवां हिस्सा, दसवां अंश वो हो गया परम नीच। तुलाया दशमे भागे स्थिति कमल बोधने, यदि सूर्य कुंडली में तुला राशि के दशम अंश पर परम नीच पर हो तो सहस्रम राजयोगा नाम, 1000 राजयोगों को नष्ट कर देता है। सहस्रम राजयोगा नाम हिनत क्याशु, आशु माने तुरंत अविलंब, विद इन नो टाइम हिनस्ती, उनको स्ले डाउन कर देता है, उनका वध कर देता है, उनको नलीफाई कर, जस्ट दैट वन रिक्वायरमेंट नलीफाई कर देता है। ये अदरवाइज अंडरलाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सन, इट मीन्स कि किसी भी कुंडली में सन और मून सबसे पहले बलवान होने चाहिए, तभी राजयोग खिलेगा, नहीं तो डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। महापुरुष योग भंग के लिए आपने अपनी पुस्तक में लिखा है, तो दो कंडीशंस आपने महापुरुष योग भंग के लिए लिखी है, एक तो आपने ल्यूमिनरीज के साथ एसोसिएशन योग का बताया है, और दूसरा आपने जो कॉम्बिनेशन बताया है कि अगर वो अस्त हो जाए, कंबस्ट हो जाए, जो प्लैनेट महापुरुष योग फॉर्म कर रहा है, तो इनके यही दो कॉम्बिनेशन हैं या इसके अलावा भी, और इसका ल्यूमिनरीज के साथ एसोसिएशन से रैशनल क्या, कॉन्सेप्चुअल रैशनल इसके पीछे ये है कि सूर्य चंद्रमा दोनों ल्यूमिनरीज हैं जी, और सूर्य के साथ बैठा हुआ ग्रह कंबस्ट हो जाता है ऑलमोस्ट, या कंबस्ट होने वाला हो रहा होता है, तो राजयोग कारक ग्रह जब सूर्य के पीछे चल रहे हो, सूर्य को फॉलो कर रहे हो, और वो सूर्य के साथ मिलने के लिए तैयार हो, गले मिलने के लिए तैयार हो, आपके बम के गोले से गले लगाने को तैयार हो, तो उस समय उनकी जो ताकत है वो कम हो जाती है। राजयोग कारक ग्रह जब सूर्य से आगे निकल चुके होते हैं, जितने सूर्य से दूर होते हैं उतने ही उनका प्रभाव अधिक पड़ता है, उतने ही वो अधिक खिलते हैं, उतने अधिक प्रभावशाली होते हैं, उतना अधिक जो इफेक्ट है, अच्छा इफेक्ट है वो देते हैं। इसलिए सूर्य की तरफ बढ़ता हुआ ग्रह तो हेडिंग टुवर्ड द कंबशन, तो हेडिंग टुवर्ड द कंबशन होने की वजह से ल्यूमिनरी के बिल्कुल साथ चले गए तो फिर तो ऑलमोस्ट कंबस्ट हो गए जी। तो कंबस्ट होने के पर राजयोग समाप्त हो जाता है, राजयोग भंग हो जाता है, इसलिए सूर्य के साथ बैठने पर राजयोग भंग होता है। चंद्रमा के साथ बैठने पर चंद्रमा के साथ कंसिडर किया, अगर चंद्र समागम का उनको चेष्टावल मिल जाता है,
चंद्रमा के साथ समागम करने का मतलब है कि उनको मैक्सिमम चेष्टावल मिलेगा। मैक्सिमम चेष्टावल मिलने का मतलब ये कि वो जमीन के सबसे नजदीक होंगे, भूमि के सबसे नजदीक होंगे, और भूमि के सबसे नजदीक होने के बाद वो अति वक्री अवस्था के आसपास होंगे। तो ऐसी स्थिति में अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर कर सकते हैं। इसलिए सूर्य चंद्रमा के साथ जो महापुरुष योग बनता तो उनकी ताब, उनका स्वाद, उनका टेस्ट, उनकी तासीर चेंज हो जाती है और ऑलमोस्ट डिक्लाइन कर जाती है नेगेटिविटी की तरफ या नेगेशन की तरफ। इसलिए सूर्य चंद्रमा के साथ उन्होंने बताया, ये मेरी अपनी कपोल कल्पना नहीं है, क्लासिक्स में है जी। और इसके अलावा जो कोई भी ग्रह कुंडली में नीच का नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी ये कॉम्बिनेशन है, ये कंडीशन है। महापुरुष योग तभी बनेगा जब वो होगा कि कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का नहीं है और सूर्य चंद्रमा भगवान है। राशि में या नवांश में? राशि में, नवांश में कहीं भी हो। अच्छा, राशि में है तो बहुत अच्छा है, नवांश में भी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं तो हो, बाहर से ताकतवर ना दिखे, अंदर से तो आत्मा तो ताकतवर हो जी। तो सूर्य चंद्रमा की बलवत्ता ही सारे राज्यों का मूल है, जड़ है, नींव है, फंडामेंटल है, फाउंडेशन है। यदि सूर्य चंद्रमा वीक है तो कोई भी राज्य खिलेगा नहीं। तो महापुरुष योग में भी यही बात लागू होती है। और महापुरुष योग में कोई ग्रह लिटरली अस्त हो जाता है जी। या कोई ग्रह नीच में होता है दूसरा, तो खत्म कम हो जाता है। फिर महापुरुष योग बड़ा सीधा काम कह लेते हैं कि उच्च का ग्रह हो, स्वक्षेत्र में, मूल त्रिकोण में, केंद्र में ग्रह हो, मंगल आदि ग्रह, तो ये योग बनता है, शश योग, हंस योग, माधव योग बन जाते हैं। अरे भाई, यदि ऐसी स्थिति है तो उच्च ग्रह एक ग्रह मीन राशि में, यदि शुक्र है लग्न में, क्या उसमें कुछ उतार चढ़ाव कमोबेश होगा जो तुला लग्न तुला राशि में शुक्र के बैठने से बनेगा? तुला राशि में, स्वराशि में यदि शुक्र बैठा होगा, वो भी महापुरुष योग है टेक्निकली, और मीन राशि का भी महापुरुष योग है, तो मीन राशि के इफेक्ट में, मीन राशि के वर्ष में, मीन राशि के पूरे असली फाइनल रिजल्ट में और तुला राशि में बैठे हुए शुक्र से बने हुए मालव योग में क्या कहीं कुछ अंतर नहीं रहेगा? इस अंतर का कहीं क्लासिक्स में कंसिडरेशन नहीं किया है। ये अपने आप अंडरस्टूड है कि स्व उच्च राशि में होगा तो ए ग्रेड महापुरुष योग बनेगा, मूल त्रिकोण में होगा तो उससे थोड़ा लोअर ग्रेड का बनेगा, स्वराशि में होगा तो उससे लोअर ग्रेड का बनेगा। इसके बाद सभी केंद्र स्थानों में पाराशर ने दशम स्थान को सर्वोच्च स्थान बताया, सबसे बड़ी केंद्र बताया। तो एक तो लग्न में है, केंद्र में कहीं भी हो, इसे महापुरुष योग कॉमनली कह दिया उन्होंने। लग्न में बैठा हुआ ग्रह मीन का शुक्र, या चौथे घर में बैठा हुआ है, या सातवें घर में बैठा हुआ है, या दसवें घर में बैठा हुआ है, क्या इसमें कुछ वेरिएशन नहीं आएगा इफेक्ट में? सातवें घर में शुक्र बैठ करके उच्च राशि का बैठा है, तब भी वो सेवंथ हाउस में शुक्र डिजायरेबल नहीं होता, तब वहाँ उसके महापुरुष योग के इफेक्ट का कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट वहाँ जरूर आएगा। फोर्थ हाउस में उच्च का शुक्र बैठने पर और लग्नेश कमजोर हुआ उसका, चौथे हाउस में मीन का बैठेगा तो धनु राशि का लग्न होगा। धनु राशि का लग्न और सूर्य नियम है पार्षद जी का कि लग्नेश का जो शत्रु होता है, यदि लग्नेश का कोई गैर शत्रु हो और वो राजयोग कारक भी हो तो उसका फल उतना बड़ा, उतना व्यापक, उतना अच्छा नहीं आएगा। तो धनु लग्न में मीन राशि का चौथे घर में शुक्र बैठा हुआ तो इस वेरिएशन को, इस तारतम्य को, इस उतार चढ़ाव को, इस कमी बेची को, इस इन डिफरेंसेस को क्यों नहीं विचार करते लोग? आउटसाइड ये कह दिया कि तुला में बृहस्पति वो शुक्र बैठा हुआ, मीन में शुक्र बैठा हुआ, केंद्र में कहीं बैठा हुआ, वाह महापुरुष योग बन गया, खिल के फूल के कुप्पा हो गए, वह इस कुंडली में तो महापुरुष योग बन गया। महापुरुष योग के बहुत सारे वेरिएशन सारे राज्यों के साथ इस तरीके के नेगेटिव पॉजिटिव देखे जाते हैं और उनको लोग आम प्रैक्टिस में नहीं देखते। इसके आधार पर भंग लिखा, वो तो क्लियर कट भंग है फाइनल। यदि कोई ग्रह अस्त है तो महापुरुष योग भंग हो गया, यदि कोई ग्रह नीच में उस कुंडली में है तो महापुरुष योग भंग हो गया। कोई भी ग्रह अस्त हो जाए, हाँ, वो ग्रह योग कारक ग्रह है तब तो अस्त है, तब तो कोई ग्रह है। यदि कुंडली में कहीं भी कोई भी ग्रह नीच का बैठा हुआ है, सम से लेकर के सम तक, ये जरूरी नहीं कि वो योग फॉर्मिंग प्लैनेट हो, वो नीच का बैठा हुआ है तो महापुरुष योग भंग होता है। यदि वो ग्रह अस्त हो, कोई भी ग्रह अस्त हो, तो महापुरुष योग भंग होता है। योग कारक ग्रह, जो योग बनाने वाला ग्रह, योग फॉर्मिंग प्लैनेट है, वही अस्त हो तो डेफिनेटली वो फेल हो जाता है और खत्म हो जाता है। और यदि उसके पूरी कुंडली में वो कुछ ग्रह सूर्य के पीछे हो या सूर्य के आगे हो, और एक नीच का एक और एक्सेप्शन था उसका, ल्यूमिनरी के साथ ना हो, सूर्य चंद्रमा के साथ ना हो, सूर्य चंद्रमा के साथ बैठने से उनकी ताकत कम हो जाती है। चंद्रमा के साथ बैठने के बाद स्थिति क्या होती है उसको मैं अपने लेक्चर्स में बताया करता हूँ कि नया बॉय लड़के की जब अपनी नई मोटरसाइकिल पर अपनी नई पुरानी गर्लफ्रेंड को बैठा करके तेजी से फर्स्ट टाइम सड़क पर निकलता है तो उसकी जो स्पीड होती है ना, शूम करके जो गियर दबाता है
और फटाफट ब्रेक लगाता है, स्टाइलिश तरीके से जिग जैग ड्राइविंग करता है, तो उस तरीके का हो जाता है। चंद्रमा के साथ बैठ करके हर एक ग्रह इसमें खुश हो जाता है, मानो गर्लफ्रेंड को अपनी मोटरसाइकिल पर घुमा रहा हो, इसलिए उनका बिहेवियर इस तरीके का हो जाता है। वो क्या राजयोग देगा, तो इसलिए वहाँ राजयोग की उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है, इसलिए उन्होंने ल्यूमिनरी को कहा। इसके पीछे रेशनली है और ये शास्त्रोक्त है, मेरी भाषाओं में मेरे शब्द जरूर मेरे हैं, पर तथ्य और जो फैक्ट और बेस है वो शास्त्रों का है। एक और योग जिसको लेके काफी डराया जाता है, कालसर्प योग। कालसर्प योग आपके एक तो क्लासिक्स में क्या इसका रेफरेंस आता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके एक्सपीरियंस के अनुसार कालसर्प योग किस तरह के इफेक्ट्स देता है। काल चक्र को हम इक्लिप्टिक कहते हैं जी। जो पृथ्वी का ऑर्बिट है वो इक्लिप्टिक है, उसी इक्लिप्टिक पर पृथ्वी को अराउंड द सन घूमने की वजह से साल बनता है। उस साल में जब कोई ऐसी स्थिति आती है कि सारे के सारे प्लैनेट राहु या केतु के एक साइड में हो, एक क्लासिक्स की जहाँ तक बात है, क्लासिक्स में इसका उल्लेख कहीं नाम लेकर के नहीं किया गया है। ठीक। तजुर्बा और एक्सट्रैक्ट निकाल करके, रास्ता निकाल करके भी निकाला जाए तो एक इफेक्ट जरूर आता है कि कहीं भी मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट एक तरफ हो जाए, किसी हाफ में हो जाए या किसी पर्टिकुलर हाउस में हो जाए, ओवर क्राउडेड हो जाना किसी हाउस को सर्टेनली इम्बैलेंस को जनरेट करता है। इम्बेलेंस इन थॉट प्रोसेस, इम्बेलेंस इन जो फ्लरिशमेंट ऑफ डेस्टिनी, इम्बेलेंस इन पर्सनैलिटी, इम्बेलेंस इन फिजिकल अपीयरेंस, टाइम जो इम्बेलेंस होता है वो ऑल टाइम इम्बेलेंस में रहता है। राहु केतु के दोनों तरफ एक तरफ यदि सारे ग्रह आ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो एक हाफ में होंगे, ईस्टर्न हाफ, वेस्टर्न हाफ, अपर हाफ, लोअर हाफ, जहाँ भी कहीं होंगे तो किसी न किसी हाफ में होंगे, तो हाफ में होने से ही इम्बेलेंस हो जाता है। और राहु केतु के साथ समस्या क्या है कि राहु जिन ग्रहों को, इसमें वेरिएशन है, मैं बताऊंगा। कालसर्प योग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जब राहु मेष में और केतु तुला में हो, या राहु तुला में और केतु मेष में हो। मेष और तुला में राहु केतु होने के वक्त जो वन साइड गेज के एक तरफ सारे प्लैनेट आ जाएंगे आइदर साइड, तो उस समय इम्बेलेंस बहुत ज्यादा होता है। यदि लग्न एग्जम्प्ट हो जाता है इस एक्सिस से, जिसको आप आजकल की भाषा में राहु केतु एक्सिस कहते हैं, राहु केतु एक्सिस से यदि लग्न एग्जम्प्ट हो जाता है तो उसका इफेक्ट ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा। और यदि कोई ग्रह राहु के साथ बैठा हुआ है जी, या केतु के साथ बैठा हुआ है, तो उस समय हमें इंटेलिजेंटली चेक करना पड़ेगा, चेक करना चाहिए कि कालसर्प योग का इफेक्ट कैसे होगा। तो इफेक्ट वेरी करेगा एक सिचुएशन में कि राहु जिन अंशों को भोग के आगे आ चुका जी, उन अंशों में यदि कोई ग्रह है जी, तो वो ग्रह ऐसे होते हैं कि जिनको राहु यानी सांप जिनकी छाती पर